हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, इसके राइटर है खुशवंत सिंह। सबसे पहले पोर्ट्रेट वर्ड का मीनिंग समझते हैं। पोर्ट्रेट वर्ड का दो मीनिंग होता है। किसी भी पर्सन के पिक्चर, पेंटिंग या फिर फोटोग्राफ को पोर्ट्रेट बोलेंगे, ये हो गया पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग इसका होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी इन वर्ड्स। अगर आप किसी इंसान को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं तो आपको जो लिखा हुआ चीज़ है उसको पोर्ट्रेट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट का मीनिंग ये सेकंड वाला है। यहाँ पे एक लेडी को डिस्क्राइब किया गया है इन वर्ड्स में। ठीक है, और ये लेडी कौन है? ये लेडी हमारे राइटर की ग्रैंड मदर है। ठीक है, दादी है। चलिए देखते हैं कि खुशवंत सिंह ने कैसे अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। तो राइटर बोलते हैं कि उनकी जो दादी माँ है, हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत है। ठीक है, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। वो हमेशा से ही बूढ़ी रही है। रिंकल, रिंकल मतलब उनके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ है। और जो राइटर है खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी माँ को 20 सालों से जान रहे हैं और तब से वो उतनी ही बूढ़ी है, उतनी ही रिंकल्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ये दो वर्ड आप याद रखेंगे, ओल्ड एंड रिंकल्ड। ठीक है, चलिए। पीपल सेड डैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हजबेंड, बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लोग कहते हैं कि हमारी जो दादी माँ है वो एक ज़माने में जवान थी। प्रीटी मतलब फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, मतलब वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी और उनका एक पति भी हुआ करता था, बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन इन सब बातों पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है कि वो एक ज़माने में जवान थी, सुंदर थी, उनका एक पति था। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी दिख रही थी अब और उनके चेहरे पर काफ़ी रिंकल्स भी थे। ठीक है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब यहाँ पे ग्रैंड फादर को डिस्क्राइब किया गया है। उनका जो पोर्ट्रेट है मतलब उनका जो पिक्चर है वो मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। मेंटल पीस क्या होता है? जो फायर प्लेस होता है उसके ऊपर एक छोटा सा सेल्फ रेक होता है, उस रेक को मेंटल पीस बोलते हैं। तो उसके ऊपर दादाजी का जो पिक्चर है वो टंगा हुआ था इन द ड्राइंग रूम। ठीक है, वो कैसे दिख रहे थे? ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। एक बड़ा सा पगड़ी अपने सिर पर पहने हुए थे और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। उनके जो सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ियाँ थी वो उनके चेस्ट को कवर किया हुआ था और वो देखने में कम से कम 100 साल उम्र के तो लग ही रहे थे। ठीक है, मतलब वो भी काफ़ी बूढ़े दिख रहे थे। तो ये जो ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है वो ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, ही लुकड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। इनको, दादाजी को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका कोई बीवी होगा या फिर बच्चा होगा। उनको देख के सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है कि उनका सिर्फ बहुत सारा क्या होगा, पोते पोतियाँ होंगी। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े दिख रहे थे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और जहाँ तक मेरी दादी का जवान और खूबसूरत दिखने का बात है, ये बात ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब मन में जाते ही ये बात रिवोल्ट करता है, विश्वास नहीं होता है कि मेरी दादी माँ एक ज़माने में ऐसी भी थी। ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब हार्ड टू बिलीव। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमें अपने गेम्स के बारे में बताया करती थी जो वो खेला करती थी जब वो बच्ची थी तब। डैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेल अस। ये सब गेम्स उनके लिए तो काफ़ी एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल, बेतुका सा था और काफ़ी अनडिग्निफाइड, अनइम्पॉर्टेंट सा था उनके लिए ये सब गेम्स। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये गेम्स मानो कैसा था? लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। मानो प्रोफेट क्या होता है? एक प्रीस्ट। ठीक है, एक भगवान द्वारा भेजा गया कोई मैसेंजर। तो भगवान द्वारा भेजा कोई मैसेंजर जब कोई कहानी सुना रहा होता है तो जितना ध्यान से हम सुनते हैं उतने ही ध्यान से हम उन दादी जी के गेम्स के बारे में सुनते थे। ठीक है, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पे ग्रैंड मदर को और डिस्क्राइब किया गया है। पहले कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया था कि वो काफ़ी ओल्ड दिख रही थी, उनका चेहरा रिंकल्ड था, जो ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और उनके बारे में बताया गया है। वो हमेशा से ही काफ़ी शॉर्ट मतलब नाटी थी एंड फैट थोड़ी मोटी थी एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी, मतलब ये अगर टांग है तो कमर की तरफ से थोड़ा सा बेंट था उनका शरीर। ठीक है, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर पूरा क्रिस क्रॉस बना हुआ था। क्रिस क्रॉस मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर को, क्रिस जाली जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरा चेहरा पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, हर जगह से हर जगह जो लाइन से रिंकल्स का वो दिख रहा था। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हमें तो ये पक्का यकीन था कि वो हमेशा से ही ऐसी ही है। ठीक है, कभी वो जवान नहीं थी।
ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड डेट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। मेरी दादी माँ इतनी बूढ़ी थी कि वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, ठीक है, और वो इसी एज पे आके अटक गई है मान लो 20 सालों से। मतलब 20 साल में उनका चेहरा जैसा का तैसा है, वो उतनी ही बूढ़ी है, ठीक है, वो और ज़्यादा बूढ़ी भी अब नहीं हो रही है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कभी भी सुंदर फिजिकली सुंदर तो वो नहीं थी, देखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से ही क्या थी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब अंदरी सुंदरता, इंसान का नेचर, एटीट्यूड, ये सब काफ़ी बेहतर था उनका। सी हॉवल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब उनका कुछ फीचर्स बताया गया है, देखिए। हॉवल्ड का मतलब लंगड़ाते हुए चलना, तो वो घर में ऐसे लंगड़ाते हुए चलती थी इन स्पॉटलेस वाइट, एकदम स्पॉटलेस मतलब बिना कोई धब्बा वाला सफ़ेद, मतलब कंप्लीट वाइट कपड़ा पहन के वो चलती थी, क्योंकि वो एक विधवा थी, ठीक है। और एक हाथ तो उनका कमर पे था ताकि वो अपने स्टूप को बैलेंस कर पाए, मतलब उनका शरीर थोड़ा सा बेंड था ना, तो एक हाथ वो ऐसे कमर पे रख के यहाँ से दबाती थी ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए ना, ये इधर फोर्स कर जाए, तो एक हाथ से वो अपने कमर को बैलेंस करती थी एंड द अदर दूसरे हाथों से टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। रोजरी तो जाप माला होता है, ठीक है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे करके वो मोती में गिनती रहती थी, ठीक है, दूसरे हाथों से। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो यहाँ पे कुछ और बात बताया गया है उनके बारे में। सबसे पहले तो सिल्वर लॉक्स मतलब उनके जो सफ़ेद बाल थे, ठीक है, वो स्कैटर्ड बिखरे हुए थे काफ़ी अनटाइडी तरीके से ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके चेहरे पर। और उनका चेहरा कैसा था, पेल था, काफ़ी पीला चेहरा था उनका, पकर्ड फेस। पकर्ड फेस मतलब जब आप कोई खट्टा सामान खाते हैं तो जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं पकर्ड फेस, ठीक है। इसमें जो आपके होंठ होते हैं वो आगे की तरफ थोड़े निकल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा उनका चेहरा था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा मूव करते रहते थे और वो हमेशा कोई प्रेयर करती रहती थी, ठीक है। और इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे। क्या आप बता सकते हैं कि इनऑडिबल का ऑपोजिट क्या होगा, ऑडिबल, ठीक है, जो सुनाई दे। तो ऐसा कुछ उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। येस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल तो थी, ब्यूटीफुल समझ रहे हैं ना, यहाँ पर आप दो वर्ड का मतलब समझिएगा। राइटर यहाँ पे बोले थे कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो सुंदर तो नहीं हो सकती थी लेकिन वो ब्यूटीफुल जरूर थी। तो प्रीटी मतलब जो आउटवर्ड अट्रैक्टिवनेस है, बाहरी सुंदरता, उसको प्रीटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बाहर से सुंदर नहीं थी लेकिन अंदर से सुंदरता को ब्यूटीफुलनेस बोलते हैं, ठीक है। उनका नेचर काफ़ी अच्छा था, एटीट्यूड काफ़ी अच्छा था, इसलिए वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सरिनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो यहाँ पे ऑथर जो है वो अपनी ग्रैंड माँ का कंपैरिजन करते हैं एक माउंटेन से, ऐसा माउंटेन जो विंटर्स के टाइम में बर्फ़ों से ढका हुआ है, स्नो कवर्ड माउंटेन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप ऐसा लैंडस्केप में जाएंगे जहाँ पे माउंटेन जो है वो वाइट बर्फ़ से ढके हुए हैं, आपको वहाँ पे काफ़ी शांति मिलेगा, काफ़ी काम फील करेंगे, पीसफुल फील करेंगे आप। तो वैसा ही कुछ इनकी दादी माँ को देख के भी लगता था, ठीक है। सेरेनिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल, और कंटेंटमेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन। तो एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू द काम पीसफुल एंड सरीन कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट इसका मीनिंग पूछ लेंगे आपसे, तो ये बात आप याद रखिएगा, कहीं साइट में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऐसा कुछ उनकी ग्रैंड मा का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। चलिए, हमेशा शांति में थी, हमेशा वो खुश रहती थी, सेटिस्फाइड रहती थी। तो अभी तक हमने ग्रैंड मा का डिस्क्रिप्शन देख लिया, वो उनका नेचर कैसा था, ठीक है, वो देखने में कैसी थी, फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, और साथ ही साथ बीच में हमने थोड़ा सा ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन भी देखा था। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि ऑथर और ग्रैंड मदर का रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो तीन फेज में यहाँ पे रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला है चाइल्डहुड फेज, बचपन में उनका रिलेशन कैसा था, फिर स्कूल जाने लगे तो थोड़े बड़े हो गए तब रिलेशन कैसा था, फिर यूनिवर्सिटी गए तब रिलेशन कैसा था, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चाइल्डहुड फेज को स्टार्ट करते हैं। माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो मैं मतलब ऑथर खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर दोनों एक अच्छे दोस्त थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो मेरे मम्मी पापा मुझे उनके साथ छोड़ के गए थे, और मम्मी पापा कहाँ गए थे, शहर में गए थे, ठीक है, और तब से मैं और दादी माँ हमेशा से एक साथ रहे हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। तो बचपन में उनका रूटीन क्या था, वो मुझे सुबह जगाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। ये लोग कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे, क्यों, क्योंकि इनके पेरेंट्स सिटी में गए हुए थे, ठीक है।
शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। तो जब मेरी दादी माँ मुझे नहाती थी नहलाती थी तब वो क्या करती थी, अपना मॉर्निंग प्रेयर मोनोटोनस एक बोरिंग डल वे में गाती रहती थी, ठीक है। और जब मुझे नहाती थी तैयार करती थी तब भी वो ये गाना गाती रहती थी इस होप में, इस उम्मीद में कि मैं भी उस प्रेयर को सुनूँ और उसे अच्छे से याद कर लूँ। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। तो मैं सुनता तो था ये सब मॉर्निंग प्रेयर क्योंकि मुझे उनका आवाज़ काफ़ी पसंद था, लेकिन कभी मैंने उसे याद करने की कोशिश नहीं किया इस मॉर्निंग प्रेयर को, ठीक है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। फिर मेरी दादी क्या करती थी, एक वुडन स्लेट देती थी मुझे जो उन्होंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था और उसके ऊपर येलो चॉक का एक परत चढ़ा दिया था, ठीक है, ताकि उस पर अच्छे से लिख पाए, और साथ ही साथ एक रेड पेन देती थी, और इन सब चीज़ों को एक बंडल में बांध के, ठीक है, जो ग्रैंडमा है वो ऑथर को पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। फिर वो ब्रेकफास्ट में क्या करते थे, देखिए, एक मोटा सा स्टेल मतलब बासी हो सकता है रात का बना हुआ चपाती खाते थे विथ लिटल बटर और शुगर के साथ, ठीक है। तो ये उनका ब्रेकफास्ट था, इसको भी याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये खाने के बाद हम दोनों ही स्कूल जाते थे, दादी भी और ये भी, ठीक है। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। तो जो ग्रैंडमा थी वो अपने साथ कुछ और भी चपातीज ले लेती थी, वही स्टेल चपातीज, ताकि वो क्या कर पाए, जो विलेज के डॉग्स हैं उनको भी वो दे पाए, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि वी वेंट टू स्कूल, दोनों ही स्कूल जाते थे, तो जो ऑथर है वो इस तो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, ये तो समझ में आता है, लेकिन ग्रैंडमा स्कूल क्यों जाती थी, क्योंकि देखिए वो जो स्कूल था ना वो एक टेम्पल के साथ अटैच था, स्कूल और टेम्पल एक साथ में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर व्हाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन इधर साइड ऑफ द वरेंडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन कोरस, माई ग्रैंडमा सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। अब चूंकि ये स्कूल और टेम्पल एक साथ अटैच था तो वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, ठीक है। और हम जब बच्चे लोग हैं वो लोग क्या करते थे, वरंडा के दोनों साइड में बैठते थे और अल्फ़ाबेट या फिर कोई प्रेयर को कोरस में सब एक साथ मिलके मतलब याद करते थे, ठीक है। और जो मेरी दादी थी तब तक क्या करती थी, वो मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, ठीक है। ये लोग वरंडा में पढ़ते थे और वो अंदर बैठ के मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। फिर जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, जो ऑथर है उनका पढ़ने का काम खत्म और जो ग्रैंडमा है उनका स्क्रिप्चर्स पढ़ने का काम खत्म हो जाता था, तो हम दोनों एक साथ फिर घर जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस बार फिर लौटते के वक्त भी जो विलेज डॉग्स थे वो सब इंतज़ार करते रहते थे ग्रैंडमा का, कहाँ पे, टेम्पल का जो डोर है दरवाज़ा है वहाँ पे, क्योंकि इन लोग को भी उम्मीद था कि ग्रैंडमा आएगी तो ज़रूर कुछ खाने को देगी, इसलिए वो लोग इंतज़ार करते थे, ठीक है। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। तो फिर वो हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक आते थे ग्राउलिंग करते हुए। ग्राउलिंग, आप इस साउंड को सुनिए, इसको बोलते हैं ग्राउलिंग करना। तो ऐसे ही ग्राउलिंग करते हुए और लड़ते हुए हर वो चपातीस का टुकड़ा के लिए जो हम उन्हें तोड़ तोड़ के फेंकते थे, ऐसे करते करते वो लोग हमें घर तक फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये कुछ सीन था बचपन का, तो ये हो गया चाइल्डहुड फेस। अब देखते हैं, अब एक कुछ फिर चेंज होता है इनके लाइफस्टाइल में। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। दे सेंट फॉर अस का मतलब होता है दे कॉल्ड अस, ठीक है, उन्होंने बुलावा भेजा। तो जब मेरे पेरेंट्स सिटी में जाके अच्छे से सेटल हो गए, यहाँ पे लिखा था ना उनके जब पेरेंट्स सिटी में गए थे तब इनको एक साथ रहना पड़ा था, तो जब वो लोग सिटी में जाकर सेटल हो गए तो उन लोगों ने हमें बुला लिया। अब ये जो बुलावा था यही क्या था, टर्निंग पॉइंट था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारा दोस्ती में एक नया मोड़ था, ठीक है। इसके बाद काफ़ी चीज़ चेंज हो गया। क्या क्या चेंज हुआ, देखिए, ऑल दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। हम लोग एक ही रूम में रहते तो थे, सोते थे, लेकिन मेरी दादी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। क्यों, क्योंकि आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, एक मोटर बस में जाता था, तो दादी वहाँ पर क्या करेगी आगे, ठीक है। There were no dogs in the street, रास्ते में ना कोई कुत्ते थे, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो इस बार चूंकि डॉग्स नहीं है स्ट्रीट्स में, तो ग्रैंडमा आप किसको फीड करती थी,
स्पैरोज को फीड करती थी घर के आंगन में, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? पहले डॉग्स को फीड करती थी, फिर बाद में स्पैरोज को फीड करने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। ईयर्स रोल्ड बाई मतलब ईयर्स पास्ड बाई, तो जैसे जैसे साल गुजरते गए हम लोग एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे, सब हम काफ़ी बिजी होते चले गए, ठीक है? फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ दिनों तक तो वो वही रूटीन फॉलो की, वो मुझे जगाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिंग राउंड एट्सेट्रा। तो मैं उन्हें बोलता था कि कुछ इंग्लिश वर्ड सीखा हूँ और साथ साथ जो वेस्टर्न साइंस है, जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कुछ लॉज, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, वर्ल्ड पूरा राउंड है, ये सब चीज़ मैंने सीखा। तो ये सब चीज़ जो ऑथर है अपनी ग्रैंड माँ को बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी। तो ये सब चीज़ सुनकर ग्रैंड माँ काफ़ी दुखी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। पहला रीज़न तो ये था कि वो मेरे लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती थी, ये सब चीज़ ग्रैंड माँ को पता नहीं था। और दूसरा, सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस डैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। ग्रैंड माँ का ये मानना था कि जो इंग्लिश स्कूल है उसमें अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे चूँकि गॉड, भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ उनके लिए फालतू चीज़ था, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ग्रैंड माँ उनको गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं मिल रहा था, इसलिए ग्रैंड माँ क्या थी, काफ़ी अनहैप्पी थी। वन डे आई अनाउंस डैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन तो मैंने अनाउंस घर में दादी को बता दिया कि हमें अब म्यूजिक लेसन्स दिया जाएगा, ठीक है? ये सुनकर तो दादी जी और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, और भी ज़्यादा दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि दादी जी का ये मानना था कि टू हर म्यूजिक वॉज, म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशंस। उनके लिए म्यूजिक का मतलब है ये वैश्य लोग का काम है, ठीक है? लीड का मतलब होता है रेफरिंग टू सेक्स इन अ रूड एंड ऑफेंसिव वे, ठीक है? मतलब वैश्य लोग का काम है, तो उनके लिए म्यूजिक जो है वो वैश्य से रिलेटेड है, ठीक है? इसलिए वो म्यूजिक को हेट करती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीड फॉर जेंटल फॉक। हार्लट का मतलब वही प्रोस्टिट्यूट हो गया, वैश्य लोग होंगे, ठीक है? तो दादी जी का यह मानना था कि ये जो म्यूजिक है ये भिखारी लोग हो गए और वैश्य लोग हो गए, ये उनके लिए है, भद्र लोग के लिए ये म्यूजिक नहीं है, ठीक है? इसलिए वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो इस पास को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि म्यूजिक लेसन से ग्रैंड माँ इतना डिस्टर्ब क्यों थी, म्यूजिक लेसन को लेके दादी का क्या ख्याल था, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? सी हैड नथिंग, सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं म्यूजिक लेसन के बारे में सुन के, लेकिन उनका साइलेंस का मतलब ही क्या होता है, डिसअप्रूवल है, वो नाखुश है, ठीक है? सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। उसके बाद तो उन्होंने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, काफ़ी कम बात करती थी। तो ये हो गया दूसरा फेज, सिटी लाइफ, स्कूल लाइफ, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरे फेज में। अब देखिए कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रहा है। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे अपना एक रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो जो कॉमन लिंक था दोस्ती का वो टूट गया। वो कॉमन लिंक क्या था, अब तक ये एक ही रूम शेयर कर रहे थे, अब तो अलग रूम हो गया, तो जो भी एक होने का जो मीन्स था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है? माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विथ रेजिग्नेशन। सेक्लूशन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है? और रेजिग्नेशन मतलब बेबस होके, ठीक है? तो बेबसी के कारण उन्होंने उन्होंने जो ये सेपरेशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि वर्क के साथ साथ तो चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रैंड माँ का कोई बस चल नहीं रहा है, ठीक है? उनको अब अलग रहना पड़ेगा अपने पोते से। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और वो तो बाकी टाइम में वो क्या करती थी, अब स्पिनिंग व्हील चरखा चलाती थी, ठीक है? और किसी से बात भी नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो उनका रूटीन ऐसा था, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने व्हील के पास, चरखा के पास बैठती थी और उसी चलाती रहती थी, और चलाने के दौरान जो प्रेयर्स है उसको रिसाइट करती रहती थी, ठीक है? ओनली इन द आफ्टरनून रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर के टाइम में थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स रेस्ट करती थी, और उस पीरियड में वो क्या करती थी, जो स्पैरोज आते थे उनको फीड खिलाती थी, ठीक है? तो ये उनका नया रूटीन है, ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा आप, इसको याद रखिएगा। वाइल सी सैट इन द वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटल बिट्स हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। तो जब वो बरेंडा में बैठती थी और ब्रेड को तोड़ती थी छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि वो स्पैरोज उनको खा पाए, तब क्या होता था कि हंड्रेड ऑफ लिटल बर्ड्स, ये छोटे छोटे सौ ऐसे बर्ड्स आते थे और उनके आसपास बैठ जाते थे और इतना नॉइज़ करते थे मानो अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स का सीन होता था। वेरिटेबल मतलब होता है
ट्रूली रियल, ठीक है, सच में एक बेडलैम। बेडलैम का मतलब होता है अ प्लेस फुल ऑफ नॉइज। सच में इतना नॉइज होता था चिरपिंग्स का, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाता था यहाँ पे, ठीक है। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, पर्च मतलब सैट, ठीक है, कुछ आते थे और उनके पैरों पे बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पे बैठते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे, तो दादी माँ मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्हें शू मतलब भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, तो ये आधा घंटा सबसे खुशहाल खुशी भरा आधा घंटा होता था उनके पूरे दिन का, ठीक है। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री में जाऊँगा आगे का स्टडीज़ पूरा करने के लिए, तो मैं श्योर था कि मेरी दादी जो है वो काफ़ी अपसेट हो जाएंगी ये बात को सुन के। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 सालों के लिए बाहर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो दादी का एज है कोई कुछ भूल नहीं सकता है कि हम वापस आए तो उनसे मिल पाए कि नहीं मिल पाए, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को पता था कि कब क्या होने वाला है, ठीक है। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो एकदम ही इमोशनल नहीं हुई मेरे जाने को लेके। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तो आई लेकिन कुछ नहीं बोली और ना ही कोई इमोशन शो की। उनको देख के नहीं लग रहा था कि उनको उनके मन में कोई दुख है मेरे जाने को लेकर। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनके होठों पर प्रेयर चल रहा था, उनके उनके उनका दिमाग भी प्रेयर में खोया हुआ था, ठीक है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उंगली से वो क्या कर रही थी, जो रोजरी के जो बीट्स है मोती है उन्हें गिने जा रही थी, ठीक है। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो साइलेंटली वो क्या करती है मुझे किस करती है, ठीक है, फोरहेड पे। और जब मैं गया तो मैं काफ़ी खुश था, चेरिश मतलब इंजॉयड, ये जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था जो जब किस करेंगे तो एक भीगा सा इंप्रेशन बन जाएगा ना सिर पे, तो वैसा जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था उस वो लेके मैं काफ़ी खुश था क्योंकि ये हो सकता है ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो हमारे बीच में, ठीक है। हो सकता है हम 5 साल बाद वापस आए तो दादी शायद जिंदा ना रहे, ठीक है, इसलिए मैं ये जो टच था ये काफ़ी इसको लेके काफ़ी खुश था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन मेरा सोच गलत हुआ। कौन सा सोच गलत था, देखिए, आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, मैं 5 साल बाद वापस आया घर में एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और वापस मुझे दादी माँ खड़ी मिली स्टेशन पर ही। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी और बुढ़ी नहीं लग रही थी, जैसे छोड़ के गए थे वैसा ही दिख रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी वो उनका नेचर वैसा ही था, बात करने को समय नहीं है। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया, ठीक है, तो मैं सुन पा रहा था कि वो अभी भी क्या कर रही है, प्रेयर्स रिसाइट कर रही है। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. और पहला दिन जब मैं घर वापस आया तो अभी भी वो मेरे साथ टाइम स्पेंड ना करके क्या कर रही थी, वो स्पैरोज को फीड कर रही थी, और यही उनका अभी भी हैप्पीएस्ट मोमेंट था, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये था कि वो और ज़्यादा समय तक स्पैरोज को खिलाती थी एंड विथ frivolous rebukes. Frivolous मतलब स्कोल्डिंग इन अ सिली मैनर, ठीक है, मतलब आप डांट रहे हैं लेकिन आप प्यार से डांट रहे हैं, ठीक है। तो प्यार से दादी माँ स्पैरोज को डांटती थी, भगाती थी, फिर खिलाती थी, तो और समय बढ़ गया था ये सब एक्टिविटी का, ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिला। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, अब यहाँ पे एक और टर्निंग पॉइंट है, देखिए, शाम के समय में उसी दिन एक बदलाव आता है दादी में, क्या आता है, देखिए, सी डिड नॉट प्रे, वो उस दिन प्रे नहीं करती है, ये फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है। अभी तक हमने स्टोरी में देखा है कि वो हमेशा प्रे करती रहती है, लेकिन जिस दिन जो ऑथर है वो अब्रॉड से यहाँ पे आए उस दिन दादी जी ने प्रे नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, वो आसपास के जो औरतें हैं उनको इकट्ठा करती है, एक पुराना सा ढोलक ले लेती है और गाना गाना स्टार्ट करती है। फॉर सेवरल आवर्स सी थर्म द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, फिर कई घंटों तक वो उस ढोल को पीटती रही, ठीक है, और वो ढोल कैसा था, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, मान लीजिए ये कोई ढोलक है, मान लीजिए ढोलक है, तो यहाँ जो स्किन है इसका, ठीक है, जो पर्दा है वो एकदम इतना पीट रही है, इतना पीट रही कि वो पर्दा थोड़ा धस चुका है, इसको लिखा गया है सैगिंग स्किन। और डिलैपिडेटेड का मतलब होता है काफ़ी पुराना, वॉर्न आउट, ठीक है, तो ये ढोलक काफ़ी पुराना था ही, और यहाँ से पीट पीट के ये जो स्किन है वो काफ़ी धस चुका था,
वो यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ब थम्ब मतलब ढोल को पीटे जा रही थी, सैगिंग सैगिंग मतलब धंसा हुआ स्क्रीन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, ठीक है, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और क्या गाना गाती है, जो योद्धा लोग हो गए जो वापस युद्ध में जीत के वापस घर आते हैं उसके ऊपर वो गाना गाने लगती है, ठीक है। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यहाँ तक कि हमें उन्हें मनाना पड़ा कि आप दादी रुक जाइए, ओवर स्ट्रेनिंग ज़्यादा थकान ना हो जाए, ठीक है। डेट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डेट सी डिड नॉट प्रे, ये पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने प्रे नहीं किया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और जैसा कि डर था वही हुआ, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि वो बुखार कम जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जी ने कुछ अलग ही सोचा। सी टोल्ड अस डैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कह दिया कि अब उनका अंत निकट है, अब वो मरने वाली है। शी सेड डैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्होंने कहा कि क्योंकि चूंकि अब उनके ज़िंदगी में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं इसलिए वो प्रे करना बंद नहीं कर सकती है और वो हमसे बात करके और टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, अब वो क्या करेंगी, प्रे करेंगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया कि आप प्रे मत कीजिए, रेस्ट कर लीजिए थोड़ा, बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने इस हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो शांति से बेड पर पड़ी रही और प्रे करती रही और अपने जो रोजरी बीड्स है उनको गिनती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और इससे पहले कि हम कुछ सस्पेक्ट, हमें कुछ अंदेशा भी होता, तभी क्या होता है कि उनका लिप्स प्रे करना बंद कर देता है और जो रोजरी था वो उनके हाथों से गिर जाता है, मतलब वो अब मर चुकी है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर छा जाता है और हमें यह समझ में आ जाता है कि अब वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, तो हमने उन्हें क्या किया, बेड से उतार दिया, और जैसा कि हमारे यहाँ रीत है कि हम क्या करते हैं, उन्हें ग्राउंड पर लेटा देते हैं और उन्हें एक लाल रंग के कपड़े से, कफन जिसको बोलते हैं, उससे ढक देते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, तो कुछ देर शोक मनाने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और हम कहाँ चले गए, फ्यूनरल अंतिम संस्कार का व्यवस्था करने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, इवनिंग के टाइम में हम उनके रूम में जा रहे थे एक क्रूड बेसिक वे में बना हुआ स्ट्रेचर को लेके, ठीक है, ताकि उनको उस पर लेटा के कहाँ ले जाए, क्रीमेटेड जलाने के लिए ले जा पाए, ठीक है। द सन वॉज सेटिंग, सन ढल रहा था, सूरज ढल रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन वाइट, तो सन चूंकि ढल रहा था तो पूरा जो धूप का रोशनी है वो रूम में आ रहा था और पूरा वरेंडा और रूम जो है वो गोल्डन लाइट से पूरा चमचमा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, लेकिन हम क्या किए, आंगन में आधे आंगन में ही जाकर रुक गए, क्यों, क्योंकि ऑल ओवर द वरेंडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टीफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, क्योंकि वरेंडा से लेके वो रूम तक जहाँ पे उनका जो डेड और स्टीफ, ठीक है, टाइट बॉडी लाल कफन में लपेटा हुआ लेटा हुआ था, तो वरेंडा से लेके उस बॉडी तक क्या थे, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज बैठे हुए थे, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सभी फ्लोर पे बैठे हुए थे। लेकिन आश्चर्य का बात यह था कि देर वॉज नो चिरपिंग, कोई चिड़िया कुछ बोल नहीं रहा था, चहचहा नहीं रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, हमें काफ़ी दुख हुआ उन बर्ड्स को देखकर, और मेरी मम्मी क्या करती है, कुछ ब्रेड लेके आती है, सी ब्रोक इट इन टू लिटल क्रम्स, फिर छोटे छोटे टुकड़े में उन्हें तोड़ देती है, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, ठीक उसी तरीके से जैसे कि मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और फिर वो जो ब्रेड के टुकड़े थे उन्हें उन बर्ड्स को देती है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो स्पैरोज है वो ब्रेड के ऊपर ध्यान ही नहीं देती है। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्पस ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो जब हमने दादी माँ का जो कॉर्पस, जो डेड बॉडी है वो उठा लिया, तो वो सभी जो स्पैरोज थे वो चुपचाप वहाँ से उड़ के चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर है उन्होंने उस ब्रेड क्रम्स को झाड़ू से कहाँ डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। तो बस यही है ये स्टोरी, इसी के साथ ये एंड हो जाता है, लास्ट में काफ़ी इमोशनल कर दिया हमें, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्टोरी था ये। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इससे पहले कि इस वीडियो को एंड करें, एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन को देखिए कि दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट कौन सा था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इसका आंसर, जैसे मन करे आप वैसे आंसर दीजिएगा, ठीक है।
चलिए फिर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो चैप्टर कैसा लगा, स्टोरी कैसा लगा, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।